था मैम आज? तो आज था सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज वीक, तो इस वीक के हवाले से हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया था, हमारे बच्चों को यहाँ पर परफॉर्म करना था और ये यहाँ पर म्यूज़ियम देखेंगे, म्यूज़ियम में क्या होता है, हमारा क्या पुराना कल्चर था, उस वजह से हमने वो चीज़ें भी लाई थी, सारी तो नहीं लाई थी लेकिन कश्मीर की कुछ चीज़ें जो हम आम तौर पर पुराने ज़माने में घरों में इस्तेमाल करते थे, अब तो ये चीज़ें बिल्कुल नायाब हो गई है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह होता है या कोई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होता है जिसमें तुमक नारी, तश नारी या बाकी इस बंसोज होता है जो हम अभी भी अपने कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, तो कश्मीरी कल्चर के हवाले से ही हमने कश्मीरी प्रोग्राम भी रखा था, हमने वो कश्मीरी जिसको शुप बोलते हैं जिससे के पहले चावल साफ किया जाता था, कि हमने वो सारी चीज़ें लाई थी यहाँ पर ताकि हम कश्मीर को ये दिखाएँ कि ये चीज़ें कितनी अहम अभी भी हैं, अगर कि हमें ज़रूरत लगती है जबकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तब हम ग्राइंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं, अगर मतलब पावर मशीन नहीं होती है तब हम हाथों से अपने कपड़े धुलते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने इसीलिए यहाँ पर लाए थे कि हालात को मद्देनज़र रखकर हमें इन चीज़ों की कभी ना कभी अपने घर में ज़रूरत। सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे है, सेलिब्रेट किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्रोग्राम्स किए। ओके दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप ही की वजह से 2019 से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है तो ऊपर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और जानिए कि ये नेक काम आपकी वजह से कैसे हो रहा है। शुक्रिया दोस्तों।